हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और आज मैं जा रही हूँ दिल्ली टू अमृतसर। तो मैं अभी फ़िलहाल खड़ी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर। तो मैं अभी एंटर नहीं करी हूँ, गेट के बाहर ही खड़ी हूँ। तो जब आप एयरपोर्ट के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपके पास अगर सामान ज़्यादा है तो आपको लेनी होती है ट्रॉली। तो जैसे मैंने ट्रॉली ले ली है, मैं आपको अपनी ट्रॉली दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ट्रॉलीज़ आपको एयरपोर्ट में एंट्री से पहले ही मिल जाती है और ये फ्री ट्रॉलीज़ होती हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते। तो ये मेरा चेकिन बैग है जिसे मुझे जमा कराना है, और ये मेरा कैबिन बैग है जो मैं अपने साथ रखूँगी जिसे मुझे जमा नहीं कराना। तो सिर्फ बैग टैग है वो हमारे चेकिन बैग के लिए चाहिए होता है, कैबिन बैग के लिए बैग टैग की ज़रूरत नहीं है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है गेट नंबर 1, यहाँ पर गेट नंबर 2। तो किसी भी गेट से हम अंदर एंटर कर सकते हैं। तो गेट में एंटर करने के लिए स्पेशली कोरोना वायरस के बाद हमारे पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले आती है कि आपका फ़ोटो आईडी कार्ड, जैसे कि मैंने लिया है, और वो गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपना आधार कार्ड लिया, आप पासपोर्ट भी ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, मतलब कोई भी वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल। उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका बोर्डिंग पास। अब बोर्डिंग पास और टिकट अलग होता है। टिकट होता है मतलब आपने टिकट को ख़रीदा है, पर बोर्डिंग पास आपको गेट की एंट्री के लिए कंपलसरी होता है। और आप कोरोना वायरस के बाद आपके पास वेब चेकिंग करना ज़रूरी होता है, उससे आपका बोर्डिंग पास आपके मोबाइल में ही आ जाता है या फिर ईमेल के थ्रू आ जाता है, या फिर आप प्रिंटआउट भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है प्रिंटआउट लेना, मोबाइल से भी काम चल जाता है, तो वो होना ज़रूरी है। मेक श्योर कर लीजिए कि एंट्री करने से पहले, एयरपोर्ट आने से पहले आप चेक कर लीजिए कि ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। और क्योंकि कई बार गेट में घुसते वक्त जो है वीडियो नहीं बनाने देते हैं, तो अगर नहीं बनाने दिया तो मैं अंदर जाके कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे जितने भी गेट हैं आप देख सकते हैं किस में भीड़ कम है। तो क्योंकि ये सारे ही गेट कॉमन एरिया में अंदर खुलते हैं, तो आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किस गेट से जाना है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। तो अभी मैं लाइन में खड़ी हूँ क्योंकि लाइन काफ़ी ज़्यादा मड़ी है। तो कोशिश कीजिए कि आप 2 घंटे पहले ही आ जाएं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उन्हें स्कैनिंग हो रही है, तो टचलेस प्रोसेस है। तो ऐसे आपको गेट पे सब कुछ दिखा के वेरीफाई करके फिर अंदर जाना है। ये सामने स्कैन एंड फ्लाई लिखा है इस मशीन के ऊपर, इसका मतलब है कि आप अपना बोर्डिंग पास यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से आपका बोर्डिंग पास निकल जाएगा जो आपके मोबाइल के अंदर है। एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर लिया है, तो यहाँ पे आपको सामने हैं कि ये बोर्ड लगा हुआ है, तो इसके ऊपर सारी ही फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सी फ़्लाइट कहाँ जा रही है। और अगर आपको एयरपोर्ट पर टिकट खरीदनी हो या कुछ चेंजेस कराने हो नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे सारे ही काउंटर होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं लिखा है ABCD, तो आपको अब चेक करना होगा कि आपका जो है काउंटर कहाँ है। जैसे ये स्पाइस जेट का है ANB, तो यहाँ पर स्पाइस जेट लिखा है। अब यहाँ पर वेब चेक इन हम कर लेते हैं, तो मैं विस्तारा की वेब चेक इन कर रही हूँ। यहाँ बस मुझे अपने कोड को स्कैन करना और सब कुछ आ जाएगा। तो मैं चेक इन कर रही हूँ, मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, तो मैं रीड कर देती हूँ। मेरे पास इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इसको भी मैंने रीड एंड प्रोसीड कर दिया। और ये सारा कुछ मेरे को चाहिए, प्लीज़ लेक मैं क्या लेके आई हूँ यहाँ पर। एक तो बुकिंग रेफरेंस कोड मुझे यहाँ पर डालना है, तो मैं अपना रेफरेंस कोड डाल देती हूँ। इसके अंदर रेफरेंस कोड हमारी टिकट के ऊपर मेंशन होता है, तो मैंने डाल के इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू, अब मुझे अपना प्रिंट करना बोर्डिंग पास, तो मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। अब यहाँ से मेरा बोर्डिंग पास बाहर आ रहा है, तो ये मेरा टाइम आ गया। बोर्डिंग टाइम 7:20 का, बोर्डिंग गेट है 44A जहाँ से मुझे एंटर करना है, डिपार्चर टाइम है 20। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी फिनिश और ये बंद हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं, ये स्पाइस जेट का है, तो मुझे विस्तारा में जाना है, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि विस्तारा का कहाँ पे है। तो जो भी आपका काउंटर होगा वहाँ पे चले जाइए, वहाँ से आपको अपना बैग जमा कराना है,
बैग टैग जो है आप उस मशीन से भी निकाल सकते हैं, काउंटर से भी ले सकते हैं और घर से भी ले सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेना चाहते हैं। तो अभी मैं लाइन में जा रही हूँ विस्तारा की, तो वहाँ पे जाके अब मुझे अपना बैग ड्रॉप करना है। तो ये काउंटर बने हुए हैं विस्तारा के, तो यहाँ पे अब हम अपना बैग का वेट चेक करते हैं जो भी लिमिट होती है, और बैग पैक लग के यहाँ पे बैग जमा हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है आप एयरपोर्ट स्टाफ से पूछ सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। और अगर आप बोर्डिंग पास भी खुद निकालना आपको मुश्किल लग रहा है तो आप जब इस काउंटर पे आएंगे तो वो भी आपका बोर्डिंग पास निकाल देंगे, तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और किसी से पूछने भी कोई भी हेजिटेशन मत करिए। दिया मैंने तो यहाँ पर इस बैग का वेट हो जाएगा और ये आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर वेट आ जाएगा। आपने देखा कि वो जो स्टाफ मेंबर है वो बैग टैग मेरे बैग के ऊपर लगा रही थी, तो उसका एक हिस्सा मुझे मिल गया है जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि वो मेरा बैग है। तो ये एक उसका बैग टैग का पार्ट मुझे मिल गया है, तो इसको बोर्डिंग पास पे भी लगा सकते हैं और कहीं पे संभाल के रख सकते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि फाइनली जब आपका बैग आपको मिलेगा तो वो बैग आपका ही है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है सिक्योरिटी चेक इन। सिक्योरिटी चेक इन के अंदर हम ये से दिखा रहे हैं जिस पे मैंने सामान रखा है ट्रॉली पे, वो हम नहीं लेके जा सकते। तो जो भी हमारा सामान होता है वो हमें अपने हाथ में ही कैरी करना होता है जो हमें अंदर लेके जाना है। और जैसे कि मेरा जो कैबिन बैग है उसके लिए बैग टैग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ रहेगा। और ये दूसरा बैग जो मैंने जमा करा दिया उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने बैग टैग लगा दिया। तो अब हम सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे कैमरास नहीं अलाउड होते हैं। तो अब हम क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट में जा रहे हैं तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए अलग अलग गेट्स बने होते हैं, तो आपकी जो भी फ़्लाइट है उसके अनुसार जाइए। तो अभी मैं डोमेस्टिक के गेट पर जा रही हूँ। ये देखिए सामने लिखा है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक डिपार्चर, तो मुझे फ़िलहाल जाना है डोमेस्टिक डिपार्चर में। तो यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिक डिपार्चर, तो ये सारे लोग जो खड़े हैं वो सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे अब अपनी ट्रॉली को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी लोगों ने ट्रॉली को छोड़ दिया। और यहाँ पे व्हील चेयर की फैसिलिटी भी होती है, आप व्हील चेयर के लिए बोल सकते हैं और आपको व्हील चेयर मिल जाएगी। तो अब मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए। तो अब ये मैं जा रही हूँ अपने सिक्योरिटी चेक के लिए। तो ये सिक्योरिटी काउंटर के लिए लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे आपको आना है और अपना सिक्योरिटी चेक इन करना है, मतलब आपकी चेकिंग होगी और आपके बैग में जो भी सामान है उसकी स्कैनिंग होगी। सिक्योरिटी चेक इन हो गया है। सिक्योरिटी चेक इन में अगर आपने जैकेट भी पहनी होती है तो जैकेट भी रिमूव करके रखना होता है, लैपटॉप मोबाइल सबको ट्रे में डालना होता है, और जितने भी पैसेंजर्स हैं सबका बोर्डिंग पास उनके हाथ में होना चाहिए। मेल और फीमेल की लाइन अलग होती है, तो वहाँ पर अपने बोर्डिंग पास के ऊपर स्टैम्प लगती है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो भी हमारा बोर्डिंग पास होता है उसके ऊपर गेट नंबर लिखा होता है, तो हमें उस गेट के अकॉर्डिंगली ही जाना होता है। ये मेरा बोर्डिंग पास है, इस पर लिखा है कि मेरा जो गेट नंबर है वो है 44A, मतलब कि यहाँ से मुझे फ़्लाइट मिलेगी, तो मुझे अब उस गेट पे जाना है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गेट्स नंबर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे लिखा है गेट नंबर 27 से 62, तो जिसका भी गेट 27 से 62 के अंदर आता है उसको यहाँ से सीधे चलते जाना है। और एयरपोर्ट जैसे मेरा 44 है तो मैं सीधा चलती जा रही हूँ, तो इस गेट का मतलब होता है फाइनली यहाँ पे हमारा एरोप्लेन खड़ा होगा जहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं, तो स्क्रीन्स के ऊपर भी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है कि आपका गेट नंबर कौन सा है। अगर इन केस वैसे होता नहीं है पर अगर गेट चेंज हो जाए तो वो इंफॉर्मेशन फिर आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, पर बोर्डिंग पास पर लेटेस्ट ही इंफॉर्मेशन होती है। तो ये देखिए गेट के ऊपर सारी ही इंफॉर्मेशन दी है गई है कि कौन सी फ़्लाइट कहाँ पे जा रही है। तो विस्तारा अहमदाबाद जबलपुर हैदराबाद, गेट क्लोज्ड त्रिवेंद्रम, तो यहाँ से आप अपने गेट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा बोर्डिंग पास हो गया, हमने बैग जमा करा दिया, सिक्योरिटी चेक हो गया, अब हम रिलैक्स हो गए। तो ये जो जब किसी भी एयरपोर्ट का आपका सिक्योरिटी चेक इन हो जाता है उसके बाद आती हैं शॉप्स रिलैक्स करने के लिए, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो उसके लिए गिफ्ट ले सकते हैं, और उसके बाद अगर आप खाना खाना चाहते हैं, आपको भूख लगी है, तो यहाँ पे फूड कोर्ट्स भी रहते हैं, वॉशरूम रहते हैं, तो हर एक टाइप की फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और सभी टाइप के बड़े बड़े शोरूम होते हैं। तो अभी जैसे कि न्यू ईयर और क्रिसमस का माहौल बन रहा है, तो यहाँ पे
क्रिसमस के हिसाब से डेकोरेशन की गई है, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट को क्रिसमस के अकॉर्डिंगली सजाया गया है। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट का व्यू है और ये सामने शॉप्स बनी हुई हैं। और साथ के साथ हमें अपने गेट नंबर का भी ध्यान रखना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जैसे मेरी 8:20 की फ़्लाइट है, तो मैं ये नहीं है कि 8 तक ही घूमती रहूँ, नहीं, मुझे आधा घंटा से पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए जहाँ से मेरी फ़्लाइट जाने वाली है, क्योंकि 8:20 तो मेरी फ़्लाइट उड़ जाएगी। तो बेसिकली मुझे 7:45 तक ही वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए जहाँ से मेरी फ़्लाइट उड़ने वाली है। और साथ के साथ मुझे अपने गेट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अभी आप देखिए और गेट्स आ गए, तो यहाँ पे बाइफर्केशन हो गई है। ये देखिए, अब अगर जिसको 27 से 62 जाना है वो सीधा तो जाता रहे, पर जिसका गेट नंबर 27 से 36 है वो इस तरफ को चला जाए, और जिसका 37 से 62 है वो इस तरफ को चले जाए। अब मेरा गेट नंबर है 44, तो मैं 37 से 62 वाले में जा रही हूँ। अंडर क्लॉज बना हुआ है, गिफ्ट्स बने हुए हैं। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट है जो कि अच्छा लग रहा है। तो जब आप चेक इन करके जाते हैं तो आपको ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं, तो नज़ारे भी देखते रहिए। और कुछ लोगों को अगर चलने में दिक्कत आती है तो उनके लिए बैटरी ऑपरेटेड कार्स भी होती हैं, आप रिक्वेस्ट करके इस पर बैठ सकते हैं। ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट, और वो क्रिसमस का बना हुआ है और वो सारे गेट्स नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पे। तो अभी मैं सीधा ही चलते जा रही हूँ क्योंकि मेरा गेट नंबर 44 है, तो गेट 37 से 62 सामने है और साथ साथ में शॉप्स बनी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे मॉनिटर्स भी लगे हैं देखने के लिए आपकी फ़्लाइट टाइमिंग्स क्या हैं और गेट नंबर क्या है। तो अगर आप आराम से आते हैं, जल्दी आते हैं, टाइम से आते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को भी इंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये है सिटिंग एरिया जहाँ पे लोग बैठे हैं, जो अब जैसे वो 37, जैसे कि ये 37 गेट नंबर है, तो इन लोगों की फ़्लाइट इस गेट से जाएगी, तो ये यहाँ पे अपने सिटिंग एरिया पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही मैं 44 पे जाऊँगी, तो जब मेरा 44 गेट नंबर आ जाएगा तो मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं बैटरी ऑपरेटेड कार्स जा रही हैं लोगों को लेके, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ चार्ज होता है। अगर आपको लगता है कि आपको चलने में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं और इन कार्स के अंदर बैठ सकते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो एज्ड होते हैं, या अगर किसी को चोट लगी हो तो वो अगर इतना लंबा नहीं चल सकते तो वो इन कार्स में बैठ सकते हैं। और व्हील चेयर की सर्विस भी हर ही एयरपोर्ट के अंदर होती है। और अगर आप पेप्सी पीना चाहते हैं या फिर चॉकलेट खाना चाहते हैं, तो ये लगी हुई हैं यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन को यूज़ कैसे करते हैं उसका अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट्स के मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, ट्रैवलिंग के बनाए हैं, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं चलती जा रही हूँ, अभी तक गेट नंबर 39 आया है। तो आप जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट एक बड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में भी टाइम लग जाता है, तो आप उसी हिसाब से मार्जिन को ज़रूर रखिए। अगर कोई जगह है वहाँ का एयरपोर्ट छोटा है तो फटाफट ही सब कुछ हो जाता है, पर जैसे कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, तो इन सब की एयरपोर्ट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह को कम्यूनिट करने के लिए, तो इस चीज़ का ज़रूर ही ध्यान रखिए। और इन जगहों पर शॉपिंग के लिए भी ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं, तो एक दो बार हम किसी को जानते हैं उनकी फ़्लाइट भी मिस हो गई थी, तो इन सब चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखिए। तो इन्जॉय भी कीजिए पर टाइम का टाइम भी साथ साथ देखते रहिए। अबाउट द वे ही शॉपिंग के लिए चीज़ें बनी हुई हैं, तो अगर आप घर से खाना खा के नहीं आए हैं या फिर किसी मीटिंग से आए हैं, तो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस कि आप यहाँ पर कुछ खा सकते हैं। और वो बने हुए हैं वॉशरूम। हाँ, एरोप्लेन से वॉशरूम जाने से अच्छा होता है कि एयरपोर्ट पे ही चले जाओ, क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है, तो आप एक बार अगर आपकी फ़्लाइट छोटी है तो आपको उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वॉशरूम चले जाते हैं। मेरा गेट नंबर आ गया है जहाँ पे मुझे जाना है,
तो यहाँ पे लोग जो हैं वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं, तो और भी नीचे जाना है मुझे। और यहाँ पे खड़ी हैं फ्लाइट्स और लोग चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर है गेट, तो ज़रूरी मार्जिन का ध्यान रखिए। एक बार फिर बोर्डिंग पास चेक हो गया और साथ में मुझे ये सेफ्टी किट मिल गई जो मुझे एरोप्लेन में लगानी है, और अब मैं बस में बैठ रही हूँ, तो मैं आ गई बस के अंदर। चल पड़ी हमारी बस। और हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। जा रही हूँ अपने एरोप्लेन के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, तो मैं फर्स्ट ही अंदर घुसने के लिए, तो अंदर का नज़ारा देखते हैं। गई मैं अपनी सीट के ऊपर, और ये सीट के ऊपर बने होते हैं कैबिनेट्स जहाँ आप रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप खोल के सामान रख सकते हैं। हर सीट के ऊपर नंबर लिखा होता है, जैसे ये इसका नंबर लिखा हुआ है FED, तो D का मतलब है साइड वाली सीट और F का मतलब है विंडो सीट। और ये है विस्तारा एयरलाइन और ये है। तो दोस्तों अब मैंने किट लगा ली, पहले तो सिर्फ मास्क से समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, अब किट लगा के तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पर अब मैं फ़्लाइट में बैठ गई हूँ, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें बेल्ट बांधनी है, और उसके बाद आराम से अपनी फ़्लाइट में इंजॉय कीजिए। गोल्डन टेम्पल, तो मैं हूँ अभी अमृतसर एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है गोल्डन टेम्पल, सेलिब्रेटिंग 550th बर्थडे ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। और ये रही गोल्डन टेम्पल की फोटो। और यहाँ पे भी बने हुए हैं अलग अलग चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। मैं अमृतसर एयरपोर्ट पहुंच गई हूं, तो जब हम एयरपोर्ट से उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट होती है कि हमारा सामान कौन सी बेल्ट पे आएगा, तो जिस जगह पे सामान आता है उसको बोलते हैं बेल्ट। तो जैसे कि मेरा सामान बेल्ट नंबर 1 पे आने वाला है, तो ये जो सामने है मैं दिखाती हूँ साइड, ये जो है ये बेल्ट बनी हुई है, तो बेल्ट नंबर 1 पे आने वाला है, तो वहाँ पे बेल्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है विस्तारा एयरलाइन जो कि दिल्ली से आई है, और इसको बोलते हैं बेल्ट। तो सामान जो है इसके ऊपर आता है, तो यहाँ से आपको अपना सामान जो है वो कलेक्ट करना होता है। तो मैं अब उस तरफ को ले जाती हूँ जहाँ पे मेरा सामान आने वाला है। तो दोस्तों ये थी मेरी ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू अमृतसर एयरपोर्ट थ्रू विस्तारा एयरलाइन। तो होप करती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मदद मिलेगी और आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही ट्रैवलिंग के इंफॉर्मेटिव से और मज़ेदार से वीडियोज़। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका, विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू, वेलकम टू पंजाब।